नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ एडवोकेट। दोस्तों, आपने नार्को टेस्ट का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि नार्को टेस्ट क्या होता है और कैसे होता है, किन किन परिस्थितियों में किया जाता है? यदि नहीं तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नार्को टेस्ट किन किन परिस्थितियों में किया जाता है और कैसे किया जाता है। दोस्तों, आज के समय में देश में अपराध और अपराधियों की संख्या काफी हद तक बढ़ती जा रही है। कई अपराधी ऐसे होते हैं जो किसी भी कीमत पर अपना अपराध कबूल नहीं करते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं। ऐसे अपराधी होते हैं जिन्हें मौत का बिल्कुल भी डर नहीं होता है। पुलिस के हाथ में होता है कि उसका रिमांड लें और घटना की हकीकत तक पहुंचें, जुर्म कबूल कराएं। लेकिन कई अपराधी सातिर होते हैं जो अपना मुंह इतनी आसानी से नहीं खोलते हैं। जब अपराधी पुलिस की सभी कोशिशों के बाद भी अपराध कबूल नहीं करता है, सच्चाई नहीं बताता है, तो नार्को टेस्ट को प्रयोग में लाया जाता है। नार्को टेस्ट की सीबीआई जांच में भी मदद ली जाती है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि अपराधी नार्को टेस्ट में सारी बातें सच बता दे। नार्को टेस्ट के दौरान अपराधी को ट्रूथ सीरम इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो उस समय की सारी बातें बता दे जिस समय उसने अपराध किया था। नार्को टेस्ट एक फॉरेंसिक जांच है। ये टेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक की मौजूदगी में किया जाता है। नार्को टेस्ट के दौरान अपराधी को ट्रूथ ड्रग की एक साइकोएक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथाल का इंजेक्शन दिया जाता है। इसका असर होते ही अपराधी को नींद आने लग जाती है। इस इंजेक्शन के लगने के बाद व्यक्ति का दिमाग प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है और उसके पास सोचने और समझने का ज्यादा वक्त नहीं होता है। इसी समय उसके दिमाग की सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो किसी भी सवाल का सोचकर जवाब नहीं दे पाता। इस कारण उस समय उससे किए सवालों का वो सही सही जवाब देता है। नार्को टेस्ट करने से पहले व्यक्ति की शारीरिक जांच की जाती है। उसकी उम्र, सेहत और लिंग के अनुसार ही उसे ये इंजेक्शन दिया जाता है। ये टेस्ट खतरे से भरा होता है क्योंकि इस टेस्ट के दौरान यदि व्यक्ति को अधिक मात्रा में दवा दे दी जाए तो वो हमेशा के लिए कोमा में भी जा सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन वैसे तो ऐसा माना जाता है कि नार्को टेस्ट के दौरान व्यक्ति सभी सवालों के सही सही जवाब देता है और पूर्ण सच्चाई बता देता है। दोस्तों, आशा करता हूँ अब आप नार्को टेस्ट के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि नार्को टेस्ट क्या होता है और कैसे होता है, किन किन परिस्थितियों में होता है। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।